Breaking news that's coming in. This is in connection with the Kolkata rape and murder horror. The CBI probe is gathering team. Animal ex Sanjay has showed no remorse. Remember, Sanjay Roy is the main accused in this. CBI sources have told Times Network the following. The victim screamed while he strangled her. The victim shouted for help and was strangled because she shouted for help. The victim was inconsolable after the sexual assault. These are chilling details that are coming to light. This is what CBI sources have told Times Network in connection with the Kolkata rape and murder horror. Now we'll go over what the CBI sources have told Times Network. Essentially, animal-like Sanjay Roy, the main accused, reportedly showed no remorse that fateful night, and he sought to strangle her that night because she screamed, she made noise, she shouted for help, and that's why she was strangled. The victim was reportedly and justifiably inconsolable after the sexual assault. Requesting over to my colleague Anuj to get us more on this. Anuj, kya jankari hai aapke paas? लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल भी खोज से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा चुका है। साथ ही साथ इसके अलावा छह और लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी संजय राय भी शामिल है। जाहिर तौर पर सीबीआई पूरे मामले को देखा जाए तो दो तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, पहला रेप और हत्या के मामले में और दूसरा करप्शन के मामले में, जिसमें सीबीआई की टीम ने लगातार छापेमारी भी तमाम लोगों पे की थी। वहीं अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री की है। ईडी भी जो करप्शन का जो मामला है उसको लेकर ईडी ने एफआईआर दाखिल किया है और ईडी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जाहिर तौर पर तरीके से सीबीआई लगातार ये बात कह रही थी, कहीं न कहीं उन्हें जांच के दौरान तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सीबीआई अब जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसके सहारे पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर बाकायदा पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी जल्द सीबीआई को मिलने वाली है, जो इस पूरे मामले का एक तरीके से कहा जा सकता है अहम कड़ी साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, जितने भी किरदार हैं, चाहे उस दौरान अस्पताल में जो लोग थे, उसके अलावा कोलकाता पुलिस के जो तमाम अधिकारी जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ किया है और उन बयानों को भी सीबीआई ने दर्ज किया है। संजय राय को तमाम तरीके की चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर संजय राय का न सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया गया बल्कि उसके जो करीबी लोग थे उनसे भी सीबीआई ने इस पूरे मामले में पूछताछ किया है। संजय राय ने कोलकाता पुलिस के सामने ये कबूल किया था कि उसने पिता की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो शोर मचा थी और इसी को लेकर उसने उसका गला दबा दिया था, क्योंकि संजय राय का ये कहना था कि वो बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था और इसी वजह से पीड़िता जो है वो उसका विरोध बहुत ज्यादा नहीं कर पाई थी। तो लगातार सीबीआई इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद एक तरफ कर रही है, वहीं अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जी